हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, क्या हो अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़े, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर। चलो देखते हैं क्या शेयर करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 2020 में कश्मीर को लेकर बढ़ते तनाव के कारण पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर शेख रशीद अहमद ने खुलेआम भारत को एक परमाणु जंग के लिए दुनिया के सामने ललकारा। पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? अब हम सब ये जानते हैं कि भारत नो स्ट्राइक फर्स्ट पॉलिसी का पालन करता है, यानी जब तक कोई भारत के ऊपर पहले आक्रमण नहीं करता भारत कभी भी प्रोएक्टिवली किसी देश पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर किसी दिन भारत पाकिस्तान के बीच असल में एक परमाणु जंग छिड़ गई तो क्या आपको ये पता है कि पूरी की पूरी दुनिया बर्फ से ढक जाएगी और फिर से एक बार आइस एज शुरू हो जाएगा। एंड आई एम नॉट किडिंग, आई विल प्रूव इट टू यू। अब आई नो आप सोचोगे कि यार एक परमाणु बम के फटने से तो आग निकलेगी, फिर इसका आइस एज से क्या संबंध है? सो ये राज मैं वीडियो में आगे खोलने वाला हूँ। लेकिन जरा आप ये सोचो, अगर इस जंग के दौरान एक भी 300 किलो टन का परमाणु बम फट गया तो उसके कितने अंजाम हो सकते हैं? सिर्फ उस एक बम की तबाही पूरे 126 स्क्वायर किलोमीटर तक फैलेगी, यानी कि ऑलमोस्ट एक पूरा डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही खत्म है। और जहाँ पर बम फटेगा वहीं पर 70% लोगों के चिथड़े उड़ जाएंगे और उसके बाद हर जगह पे दिखेगा सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा और नफरत और विनाश ने की हुई बर्बादी, जिस नफरत की कीमत सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि दुनिया के पूरे 90% आबादी को चुकानी पड़ेगी, जो भूखमरी से तड़प तड़प कर मरेंगे। लेकिन सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की इस जंग की कीमत पूरे दुनिया को क्यों चुकानी पड़ेगी? और अगर बाय चांस जंग होती भी है तो इस सारे विनाश के बाद आखिर जीत किसकी, इंडिया या पाकिस्तान? वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और चलिए देखते हैं कि किस तरह इंडिया पाकिस्तान के बीच की एक परमाणु जंग का नतीजा कितना भयानक हो सकता है आज के हमारे इस वीडियो में टाइटल्ड व्हाट विल हैपन इफ इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि पाकिस्तान के रशीद मियां ने भारत को जो धमकी दी, जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। पर क्या पाकिस्तान के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो जंग में इंडिया को हरा सकता है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर पूरे 160 परमाणु हथियार हैं, जिसके मुकाबले में भारत के पास सिर्फ 150 हथियार ही मौजूद है। लेकिन दोनों भी देश नए नए परमाणु हथियार बनाने में लगे हुए हैं और सूत्रों के अनुसार 2025 तक दोनों भी देशों के पास 400 से 500 परमाणु हथियार होंगे। अब 400 से 500 तो छोड़ो, अगर इनमें से एक भी परमाणु बम फट गया ना तो एक झटके में ही लाशों का ढेर लग जाएगा। और सिर्फ लाशें ही नहीं बल्कि बॉम्ब से निकलने वाला आग का गोला 2 किलोमीटर तक इतनी तेजी से फैलेगा कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर इंसान, जानवर, गाड़ियां, यहाँ तक कि इमारतों को भी पल भर में ही चकनाचूर कर देगा। पर ये तो बस एक न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली तबाही का ट्रेलर है। पर अगर दोनों देशों ने मिलाकर 300 बॉम्ब फोड़ डाले तो अब जरा कल्पना करने की कोशिश करो कि वो सीन कितना भयानक होगा। और इस दोनों भी देश के बीच होने वाली लड़ाई से तबाही के खौफ में सिर्फ हम नहीं बल्कि बहुत सारे देश हैं। इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर ने इस पर रिसर्च भी कर लिया है और उस रिसर्च के अनुसार मान लो कि अगर भारत ने 100 परमाणु बम फोड़े और पाकिस्तान ने 150 फोड़े तो ऐसे खतरनाक ब्लास्ट होंगे कि 2 करोड़ लोग मिनिमम पर लोग सिधार जाएंगे और बॉम्ब से जो आग फैलेगी वो दूसरे 5 करोड़ से 13 करोड़ लोगों को चुटकियों में राख बना देगी। और अगर दोनों भी देशों ने मिलकर इससे भी ज्यादा बॉम्ब फोड़े तो जाहिर सी बात है मरने वाले की संख्या इससे भी दुगुनी हो जाएगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के एक रिसर्च ने कहा। पर चलो मान लेते हैं कि तुम दुनिया की उस आधी पॉपुलेशन का हिस्सा हो जो थानोस की चुटकी से नहीं मरे, यानी अगर तुम इस खतरनाक परमाणु बॉम्ब ब्लास्ट से नहीं मरे तब भी तुम वातावरण में होने वाले बदलाव से नहीं बच पाओगे, क्योंकि भारत पाकिस्तान परमाणु जंग की वजह से दुनिया के वातावरण में ऐसे बदलाव आएंगे जो आइस एज जैसे कंडीशंस को पैदा कर देगा। और वेल ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान में परमाणु बॉम्ब्स फटने लगेंगे तो इसमें से पूरे 1500 से 3500 करोड़ किलोज का धुआं पैदा होगा जो सिर्फ 2 हफ्तों में अर्थ के पूरे एटमोस्फियर में कैंसर की तरह फैलने लगेगा और धीरे धीरे पूरे दुनिया को अपने गिरफ्त में लेने लगेगा। बट ये धुआं कोई नॉर्मल आग लगने से निकले हुए धुएं
जैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये धुआं बना होगा ब्लैक कार्बन और रेडियो एक्टिव पार्टिकल से, और वो दोनों हवा में मौजूद सनलाइट से मिक्स होकर और भी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने की वजह से ये पार्टिकल्स और भी तेजी से फैलकर सीधा अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर लेयर तक पहुंच जाएंगे, और फिर ये धुआं वहीं पर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में घूमते रहेगा और जमीन पर नहीं गिरेगा, जिसके कारण नीचे पूरा बर्फीला मौसम हो जाएगा, क्योंकि ये लेयर अर्थ के सनलाइट को अंदर घुसने से रोकेगा और इस वजह से हीट अंदर अर्थ में नहीं आ पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आसान शब्द में बताता हूं, अगर आप अपने रूम में एसी शुरू करके बैठते हो तो आप नोटिस करोगे कि फर्श सबसे ज्यादा और जल्दी ठंडी हो जाती है, वो इसीलिए क्योंकि ठंडी हवा हैवी होती है और वो नीचे ही सेटल हो जाती है, और बिल्कुल उसी तरह बॉम्ब ब्लास्ट से निकला हुआ सारा गर्म धुआं ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ही सेटल हो जाएगा और उस धुआं के थिक कवर के कारण सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके कारण दुनिया भर में एवरेज तापमान 2-5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा और अर्थ का नॉर्थ वेस्ट रीजन तो पूरा बर्फ में ही जम जाएगा। लेकिन क्या ये धुआं कभी भी पृथ्वी के ऊपर से हटेगा नहीं? वेल, इसे पूरी तरह क्लियर होने में लगभग 10 साल लग जाएंगे और तब तक आइस एज जैसी कंडीशंस में जिंदा रह पाना पॉसिबल नहीं होगा। हमारे पूर्वजों का एग्जांपल ले लो, वो पिछले 2 आइस एज सरवाइव कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त आइस एज एकदम से नहीं आया था, वो धीरे धीरे तब्दील हुआ था और उसी के वजह से धीरे धीरे हमारे पूर्वज भी उस हिसाब से इवॉल्व हो पाए। बट अगर एकदम से आइस एज आ जाता है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी के मोस्ट ऑफ द प्राणी उस तरीके से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे और पृथ्वी के फूड चेन्स और इकोसिस्टम पर मैसिव डिजास्टर्स होने लगेंगे। अब हम इंसान तो झोल झपाटा करके 10 साल कैसे भी करके निकाल लेंगे, फिर भी हम नॉर्मली कभी नहीं जी पाएंगे, क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा तो आधे से ज्यादा साउथ एशिया के ऊपर का ओजोन लेयर फटकर उसमें एक बड़ा सा होल हो जाएगा और इसी के कारण जब स्ट्रेटोस्फीयर से धुआं क्लियर होगा तो इस ओजोन लेयर के होल से सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज बिना फिल्टर हुए जमीन पर आ गिरेगी, जो कि हमारे स्किन को जलाकर पिघला देगी और साथ ही इससे हमें स्किन कैंसर जैसी अन्य बीमारी होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। अब धुआं हटने के बाद बारिश तो होगी पर दुनिया भर में रेनफॉल का प्रेसिपिटेशन परसेंटेज 15-30% तक कम हो जाएगा, यानी बारिश के गिरने के चांसेस 30% से कम हो जाएंगे और इंडिया में तो मान लो नियरली 0% हो जाएगा। और जो भी बारिश जहां पर भी होगी वो भी हवा में मौजूद रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर एसिड रेन में तब्दील हो जाएगी, और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो बड़ी आसानी से हमारे लंग्स में घुसकर हमें अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का शिकार बना सकते हैं। पर ये तो हमारी बात हुई, अगर ये एसिड रेन धरती पर पड़ेगी तो सारी जमीन पूरे 70 सालों तक बंजर हो जाएगी, क्योंकि एसिड रेन्स मिट्टी में मौजूद जो पेड़ पौधों को उगने के लिए जरूरी है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जिस पृथ्वी पर ना सूरज की किरणें बराबर जमीन पर पहुंच पाएगी, ना ही बारिश का कोई ठिकाना होगा, तो कुछ उगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, और इसी वजह से पूरा इकोसिस्टम फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, धीरे धीरे फूड शॉर्टेज होने लगेगी और करीबन 200 करोड़ लोग भूखमरी से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वही बात एस्टीमेट्स के अनुसार अगर ये जंग में सारे ही परमाणु बॉम्ब इस्तेमाल हुए तो समझ लो फिर तो 90% दुनिया की आबादी भूखमरी के कारण मर जाएगी, यानी कि जंग में जीतने वाला जीत कर भी बेसिकली हार जाएगा, वो भी बुरी तरह। बट क्या आपको लगता है भारत और पाकिस्तान में से कोई भी देश जीत के काबिल बचेगा इसके बाद? वेल, शॉर्ट टर्म में मे बी वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर ले, बट लॉन्ग रन में नहीं। परमाणु जंग में सिर्फ उसी देश के टिकने के ज्यादा चांसेस होते हैं जिसके पास परमाणु बॉम्ब को रोकने के भी हथियार हो, और ऐसा ही एक सुरक्षा कवच भारत के पास है पर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी कवच नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में, जिसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। यूएस, रशिया और इसराइल के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि पाकिस्तान से आने वाले आधे से ज्यादा परमाणु बॉम्ब्स को तो हवा में ही मार गिराएगा। और गर्व की बात तो ये है फ्रेंड्स कि हमारे पास ऐसे दो सिस्टम्स मौजूद है, एक है पैड जो है पृथ्वी एयर डिफेंस और दूसरा है एएडी जो है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिनकी रेंज 2,000 से 5,000 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा भारत ने रशिया से S-4 डिफेंस सिस्टम भी मंगवाया है, और हमारा ब्रह्मोस तो है ही, जो कि एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन, हवा या पानी कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। और अगर इसके ताकत की बात करें तो ऐसा कोई भी पाकिस्तानी शहर नहीं है जो उसके निशाने पे नहीं आ सके, और इस वजह से फ्रेंड्स ये तो मोस्ट प्रोबेबल है कि भारत कभी पाकिस्तान के साथ अगर जंग पर गया तो पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ जंग के बाद भारत की भी बहुत ही खराब हालत होने वाली है। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक मैं कहूंगी वीडियो में चूज किया है उन्होंने, आंखें खोलने की जरूरत है सब ह्यूमन बीइंग्स को, कि जैसे रैट रेस हो रही है, मैं तो ये देख रही थी
कि हमें वेपन्स चाहिए, न्यूक्लियर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सारे, मतलब एक से एक कंट्री सबको हो रहा है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, पर ये रियलाइज नहीं हो रहा कि अगर हो गई लड़ाई तो क्या होगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे को तो समझ नहीं आता कि हम लोगों को ये पता होने के बावजूद क्यों हम बनाते जा रहे हैं। उसकी जगह कोई ऐसा सिस्टम करो, कुछ और करो कि लड़ाई ना हो, वेपन्स की जरूरत ही ना हो, ना हो ना इस टाइप से कभी डिस्ट्रक्शन हो सके। पता नहीं होता कहां पे कौन सी कंट्री में कौन ऐसा लीडर आ जाए जो ऐसा हो कि वो कहे कि चलो चला दो भैया न्यूक्लियर वॉर कर दो, किसी का क्या पता, तो वो पूरा वर्ल्ड ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पता नहीं। पर कोई करता ही नहीं, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रही है। पर इस वीडियो को देख के तो इतना वो हो रहा था कि देखो कैसे डिस्ट्रक्शन होगी और कैसे वो आइस एज हो जाएगा। तो कई वीडियोस अगर मूवीज आपने देखी हो, इंग्लिश मूवीज तो काफी हॉलीवुड की होती है, जिसमें वो दिखाते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है जो स्नो में भरा हुआ है या पानी के अंदर है, तो वो सारी सिचुएशंस वो देख रहे हैं कि अगर कल को ऐसे हो गया। और हम लोग, मेरे को याद है जब हमने ये देखी थी, एक तो पानी वाली देखी थी, तो मैंने सोची थी यार सारा अर्थ कहां से पानी में पूरा डूब गया अब लैंड, तो अब समझ में आया क्या रीजन हो सकता है। फिर कई मूवीज ऐसी थी जिसमें पूरा जो अर्थ है स्नो ही स्नो है, कोई रहने की जगह ही नहीं, इतनी मुश्किल से कुछ ही लोग बचे में और जी रहे हैं। तो वो इसी बात पे उन्होंने वो बनाई है कि पहले पास में ये हुआ था और जो थोड़े बहुत अब बचे हुए लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं बहुत मुश्किलों से। तो काफी आंख खोल देने वाला ये वीडियो था और दुख होता है ये देखकर। राइट, अब इसमें ये है कि नॉर्मली तो यही प्रेडिक्शन है कि किसी की ये पॉइंट वो नहीं था कि इंडिया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वॉर हो रही है। किसी भी कंट्री के साथ अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो ये रिजल्ट आएगा, ये न्यूक्लियर वॉर का रिजल्ट है, कंट्री का मैटर नहीं करता, दो लोग लड़ेंगे, तीन लोग लड़ेंगे, जो भी लड़ेगा, न्यूक्लियर वॉर होती है तो ये रिजल्ट आएगा। और मेरे ख्याल से इसमें जो है इन्होंने दिखाया था रिजल्ट लेट, थोड़ा देर में आएगा, मुझे लगता है कि इंस्टेंटली आएगा, कि जैसे ही ब्लास्ट होता है और पूरा जो भी ब्लास्ट ऊपर जाता है पूरा धुआं आता है, जैसे ही धुआं आएगा सनलाइट्स क्रॉस नहीं कर पाएंगी, सनलाइट क्रॉस नहीं कर सकती तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, प्लांट्स मर जाएंगे, फूड चेन पूरी खत्म हो गई। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि भैया पहले रेन आएगी, वो एसिड रेन गिरेगी, फिर एसिड रेन की वजह से प्लांट मरेंगे, प्लांट पहले ही मर जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आपने सन को वहां पे किरने बंद कर दी, कम कर दी सर की इंटेंसिटी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस बंद हुआ, प्लांट मरा, पूरी फूड चेन मर गई, काम खत्म। तो बहुत कितना स्टोर कर लोगे, क्या कर लोगे, कहां से सनलाइट लाओगे, बिना सन की वजह से तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हर चीज की एनर्जी का सोर्स सनलाइट है, जो भी हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनका सोर्स सनलाइट है और कुछ भी नहीं, हर चीज सनलाइट से है। अगर आप फॉसिल फ्यूल देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, हर चीज जो है इवेंचुअली सनलाइट से है। तो अगर एक बार ऐसा धुआं आ गया कि सनलाइट आप नहीं आ सकते फिर तो काम खत्म है। इसीलिए अभी जो है ह्यूमैनिटी कोशिश कर रही है कि मार्स में लाइफ आ जाए, कि यहां अगर भट्टा बैठता है तो फटाफट वहां से लोग जो है अमीर लोग हैं फटाफट अपने स्पेसशिप में बैठेंगे और जाके मार्स में सेटल हो जाएं, या फिर आप ऐसा बनाएं इतने ह्यूज टावर्स जो स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर हो, तो जहां पर ये सब हो रहा है तो ऊपर चले जाएंगे, वहां सनलाइट आएगी, वहां ग्रीन हाउस में प्लांट्स उगा के कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब और ये सब डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मगर न्यूक्लियर बॉम्ब किसी को नहीं करेंगे, हर एक को है कि भाई नहीं तुम्हारे पास है तो मेरे पास भी है। जबकि एक समय पे कोशिश की थी यूएस और रशिया ने कि हम मिलके रिड्यूस करते हैं, तो मिलके रिड्यूस करते चले गए, उसके बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसी ट्रीटी हुई कि हम ट्रीटी तोड़ रहे हैं, अब फिर से ऊपर होने लगे क्योंकि बीच में नया प्लेयर आ गया चाइना। तो प्रॉब्लम ये थी कि यूएस और ये मतलब रशिया ने बोल दिया था कि हम रिड्यूस करेंगे, मगर जब वो ये सब कर रहे थे तो चाइना आ गया जो बहुत तेजी से प्रोड्यूस कर रहा है, फिर वो डील क्रॉस हो गई, अब मेरे ख्याल से सब भट्टा बैठ चुका है। तो आप बताइए आपके क्या थॉट है। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।